एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर सीता बावली मरघटा के पास एक रहने वाले देवेंद्र रजक के मकान में अचानक आग लगी। उनके मकान में आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को करीब 2:30 बजे के लगभग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा मौके पर पहुँच करके इस मकान में लगी आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड में पायलट शेख आविद, फायरमैन नितिन सिंह राजपूत और टीकाराम पटेल ने आग पर काबू पाया, तब कहीं जाकर के यह आग बुझ सकी। हालांकि इस आगजनी में गृहस्थी का सामान जला है, तो वहीं देवेंद्र रजक को हज़ारों का नुकसान भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा तत्काल ही कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट एशिया न्यूज। अब अंदर हम भी आए हैं। अरे कचिया नहीं छूट तेरी नहीं निकल रहा हूँ। लबड़े के कहा भाग जाओ, चाबी फेंक। यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज, जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। सरकार से हमारी, इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा है।